दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक अंटार्कटिका। ये विशाल बर्फ का मैदान घर है कुछ प्यारे से जीवों का, और यहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले कुछ प्यारे से जीव पेंगुइन। पेंगुइन दरअसल पक्षी होते हैं। इनके पंख तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत का संघर्ष चलता रहता है। यहाँ पेंगुइन्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है यहाँ का टेम्परेचर, और यहाँ का तापमान -73 डिग्री तक चला जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पेंगुइन्स जिस टेम्परेचर में रहते हैं वहाँ हम और आप कुछ ही मिनट में ठंड से जम जाएंगे। वैसे धरती पर पेंगुइन्स की कुल 18 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी प्रजाति है। एम्परर पेंगुइन की लंबाई 1.1 मीटर से 1.3 मीटर तक होती है, और वजन 35 से 40 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एम्परर पेंगुइन के बारे में, जहां खून जमा देने वाली ठंड से लेकर लाखों पेंगुइन्स के झुंड के बीच अधिकतर गर्मी से होने वाली मौत। एक एम्परर पेंगुइन के कठिनाइयों का दौर तब शुरू होता है जब जून के महीने में एक मादा पेंगुइन अंडे देती है। उस समय अंडे को कुछ वक्त के लिए यदि खुले में रख दिया जाए तो उसके ऊपर बर्फ जम जाती है और उसके अंदर मौजूद बच्चे की मौत हो जाती है। इसलिए अंडे देने के तुरंत बाद नर एम्परर पेंगुइन अंडे को उठा लेता है और अपने पंजे के ऊपर रखने के बाद अपने पेट की लटकती खाल से ढक लेता है ताकि अंडे को पर्याप्त गर्मी मिल सके, और मादा पेंगुइन भोजन की तलाश में चली जाती है, जिसके बाद नर पेंगुइन अंडे को तब तक अपने से चिपकाए रखता है जब तक कि मादा पेंगुइन वापस ना आ जाए। इस बीच मादा पेंगुइन भोजन की तलाश में समुद्र के किनारे तक पहुंचती है और अगले कई सप्ताह तक मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करती है, पर इतने में सागर और जमता चला जाता है जिससे वह अपने घर से और दूर होती जाती है। खूब सारा भोजन करने के बाद जब वह अपने घर के लिए वापस लौटती है तब उसे वापस लौटने में करीब 9 सप्ताह लग जाते हैं। लेकिन कई बार पेंगुइन खुद समुद्र के खूंखार जीवों का शिकार बन जाती है। इनकी जिंदगी इतनी खतरनाक होती है कि जब ये भोजन की तलाश में निकलते हैं तब इनके वापस आने के चांस केवल 50% तक होते हैं। इस वजह से ये रात के समय समुद्र के गहरे पानी में नहीं जाते हैं, और जो मादा पेंगुइन जिंदा बचती है वो वापस अपने ठिकाने के लिए निकल जाती है। इस दौरान जहाँ इनका ठिकाना होता है वहाँ 150 से 250 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चल रहे होते हैं, और इस बर्फीली हवाओं में नर एम्परर बिना कुछ खाए पिए एक तपस्वी साधु की तरह अंडे को संभाले खड़ा रहता है, जिसकी जिम्मेवारी मादा एम्परर पेंगुइन ने सौंपी होती है। मादा एम्परर पेंगुइन के लौटने तक नर एम्परर के शरीर का वजन 40 से 20 किलो तक हो जाता है, और कई बार पेंगुइन भूख से बिलबिला उठते हैं। मादा पेंगुइन के वापस आने के बाद नर पेंगुइन भोजन की तलाश में निकल जाता है। लगभग 65 से 70 दिनों के बाद एक नन्हा पेंगुइन अंडे से बाहर निकलता है। जन्म के बाद ये नन्हा पेंगुइन 6 महीनों तक अपने माँ बाप के साथ ही रहता है ताकि ये बच्चे आसमान में उड़ने वाले दरिंदों का शिकार न बन सके। लेकिन इन बच्चों के माँ बाप को पेट भरने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है, जिसके बाद कभी कभार वे इन्हें अकेला देख शिकार करने में सफल हो जाते हैं। वैसे गौर करने वाली बात ये है कि इस बर्फीली हवाओं से बचने के लिए सभी पेंगुइन्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, और पेंगुइन प्रकृति के इतने खतरनाक मार के बीच भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए मजबूर रहते हैं। हैरानी की बात ये है कि जब हजारों की संख्या में ये पेंगुइन एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं तब उस वक्त इनका तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और उन पर बाहर की ठंड का कोई असर नहीं पड़ता है। इनकी जिंदगी का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि पेंगुइन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही जीवन साथी चुनते हैं, और यदि किसी कारण से एक पेंगुइन की मौत हो जाती है तो दूसरा पेंगुइन अपने जीवन साथी की मौत होने की वजह से खाना पीना छोड़ देता है, और अंत में कमजोर होने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इतना त्याग और निष्ठा की ऐसी मिसाल शायद पूरे प्राणी जगत में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पेंगुइन्स की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पेंगुइन्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ITV हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।